पीएम मोदी क्यों कहती हैं? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मोदी सरकार की कोई भी योजना हो, ना तो अमीरी गरीबी के आधार पर कोई भेद होता है, ना धर्म के आधार पर, ना जातियों और लिंग के आधार पर, और ना ही राज्यों के आधार पर। सरकार किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, सबका साथ सबका विकास। जहां तक बात रही विश्वास की, तो ये तो पार्टियों की अपनी अपनी समझ है। बजट 2021-2022 में भी हर राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कोशिश है। असम हो जहां अपनी सरकार है, तमिलनाडु हो जहां सहयोगी दल की सरकार है, या फिर केरल और पश्चिम बंगाल हो जहां विरोधी दलों की सरकारें हैं। सबका विकास 2021-2022 के बजट में झलक रहा है। राजमार्गों के निर्माण को आधार बनाते हैं। असम की बात करें तो 1300 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए 34,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो 3500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए 1,03,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और अगर ममता बनर्जी की पार्टी की सरकार वाले पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ भी 675 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और केरल जहां वामपंथियों की सरकार है, वहां के लिए 1100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यही है पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये हमारा मंत्र है।